जिसको जो कुछ शब्द पढ़ रहा है, जैसे पढ़ रहा है कबूतर, मटर, लंगूर, लेकिन वो जैसे हर टीचर अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो सिलसिलेवार ढंग से पढ़े, लेकिन यहाँ पर कसम जो है वो कबूतर कबूतर पढ़ रहा है, सिर्फ क को वो अलग कर रहा है, कबूतर का क बोल रहा है, मटर का म बोल रहा है और लंगूर का ल बोल रहा है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि बच्चा पढ़ने जानता है, उसको शब्द का ज्ञान है और वो साथ में अक्षर को भी पहचान रहा है। जब वो अक्षर को पहचान रहा है तब वो शब्द से अक्षर को अलग कर रहा है। उसके बाद है कि वो हर बार जो है उसे इस तरह ही पढ़ते देखकर अध्यापक अध्यापिका जो है वो नाराज होती है। हर बार अशोक जो है वो इसी तरह पढ़ता है, शब्द पढ़ रहा है, शब्द से अक्षर को वो अलग कर रहा है, फर्स्ट लेटर को जो फर्स्ट अक्षर है उसको अलग कर रहा है। तो अध्यापक अध्यापिका जो है वो बार बार देखती है कि ये इसको जय बार भी जितना बार भी हम इसको पढ़ने बोलते हैं अशोक को, वो उतना बार इसी तरह पढ़ता है, तो वो उससे नाराज होती है। पर अशोक को यहाँ पर अशोक के हर प्रयास के बाद बार बार अध्यापिका अशोक को पढ़ने बोल रही है, तो यानी उससे प्रयास करा रही है। तो उसके बाद भी अध्यापिका उससे कहती है कि दूसरे बच्चों को ध्यान से सुनो, यानी तुम्हारे साथी जो है वो जैसे पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और उसी तरह पढ़िए। पर समझने में असमर्थ, यानी अशोक जो है वो